अल्लाह अल्लाह आप बताओ अल्लाह। अरे माँ मेरी आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं क्या? तो मैंने पकड़ी मेरे पे हाथ में। अल्लाह असली मेन तो इसके पास है। माँ मेरी दोनों बच्चे लोग देखो भाई क्या कर रहे हैं घर में, आफत बचा के रखे हैं। हाथ तो धो अभी। कैसे कर दिए? अल्लाह अल्लाह। रुमाल दे दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, आरान जा रहा था आधार कार्ड बनाने के लिए तो रास्ते में ही स्याही निकल गई उसकी, तो इसलिए आधे रास्ते से वापस आ गया बेचारा। आधार कार्ड बनाने जा रहा था, पेन तोड़ दिया, देखो पूरी स्याही पेन तोड़ दिया गुस्से में आके। हाँ चलो ये चलने मस्त है, पानी निकल जाता है इसमें ऐसा धो रहे एकदम मस्त पानी में डूब। हाँ बस अम्मी क्या कर रहे हैं? अम्मी हाँ अम्मी चप्पल धो के बैठे। अच्छा चप्पल धो के बैठे, चप्पल धो के बैठे। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन भर के रख दिए हैं क्योंकि अभी कपड़ा भी धोने का है। अभी बोरिंग का पानी लिए हैं, ये पूरा ड्रम भर दिए हैं और ये सब बाल्टी वगैरह धो दिए। घर का काम वगैरह है सब कर रहे हैं और मैं जाता हूँ वीडियो अपलोड करके। आते आते समय कोई नाश्ता वगैरह जो भी है लेकर आते हैं। ये वाले रास्ते गाइस हमारा नाश्ता करके हो गया। और जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि फातिमा का कान भी टुचाने का है, लेकिन अभी वो टुचाना कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी चले जाऊंगा ना, तो कैसा उसको रात में ना सिर्फ अब्बू चाहिए रहता और कान वगैरह जो भी है टुचा देंगे, तो बहुत सबको सताएगी भी और रोएगी भी। और कैसा उसका कान ना एकदम छोटा छोटा है, तो बोले हैं अभी एक दो साल की और हो जाएगी ना बड़ी, उसके बाद में टुचाएंगे। बोला चलो खैर कोई बात नहीं, अपने 5 नंबर पर माशाल्लाह बहुत सारे है वहाँ पर, यहाँ पे टोचने का बोले थे लेकिन अपन वहाँ पर टोच देंगे। जो भी आती है सोने की तार वगैरह जो भी है अपन वो डाल देंगे। तो अभी कैंसिल कर दिया है इंशाल्लाह। हाँ फिर हो जाएगा ना, तो फिर सोने की फिर सोने का डाल देंगे तो सोने से जल्दी अच्छा होगा, दुखेगा भी नहीं। सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब कैसे होंगे। तो आज पूरा शुरू करते हैं, आप लोगों का वेलकम है सौरिया सिंह शेख व्लॉग में। तबीयत कैसी है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सब सही है। दवाई खाए? जल्दी ले लो, जल्दी ले लो फटाफट, टाइम पे दवा खाओ, पानी भी पियो, सबसे ज़्यादा पानी पियो ठीक है। एक बोतल अपनी ना एक्स्ट्रा बना लो कि दिन में, ताकि पता चले कि दिन में कितना पानी पी रहे हैं। फातिमा कान टोचने का बेटा? हाँ क्या बाद में टोचेंगे ठीक है। चलो आगे आगे घूम कर आते, आ जाओ हाथ पकड़ो, चलो आ जाओ हाथ पकड़ लो। चलो ये क्या है? मम्मे है ना, मम्मे का है, छूते मम्मे को। चलो अपन दुकान से चीज़ें लेकर आते ठीक है। अरे मैंने तो चप्पल पहना ही नहीं, जाने तो कोई बात नहीं चलेगा। अरे हाँ नहीं नहीं चलेगा बेटा, मैं चलता हूँ नंगे पैर चलता हूँ मैं। चलो आ जाओ, आओ ना, चलो ना नंगे पैर चल लेता हूँ बेटा मैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ पे जा रहे? दुकान जा रहे ना अपन? कौन सी दुकान जा रहे? चीजी लेंगे ना चीजी, क्या खाएंगे? फातिमा को ना ऐसे बाहर घुमा घुमा कर बोला चलो दुकान से तुम्हारे को चीजी दिला के लेकर आता हूँ। क्या लेंगे? चॉकलेट? चॉकलेट लेंगे। हाँ क्या लेंगे? कैडबट्टी। फातिमा को कैडबट्टी लेने का माशाल्लाह। ये देखो फातिमा दुकान पे आ गई और उसको चाहिए क्या, बोलो क्या लेंगे? लॉलीपॉप ले लूँ? एक लॉलीपॉप दे दो, दो दे दो, दो पक्का ना, कपड़े गंदे नहीं करेंगे ना ठीक है? ये तो कपड़े गंदे करता लीजिए, कपड़े गंदे बोलो ना बोलो। हाँ और ये वाला भी चाहिए, एक ये भी दे दो। चलो पहले दो पकड़ो, पकड़ लो। अच्छा इसके साथ पंखा भी है क्या? क्या बात है, ये ख़त्म करके उड़ाने का है अपने को ठीक है। ये ले, ये भी पकड़ो। हाँ ये भी पकड़ो, ऐसे पकड़ लो बस। हाँ दो ये दे दो, हाँ इसका भाई भी है ना इसीलिए उसको लेके जाएंगे तो वो लड़ेगा।
फातिमा किधर जा रहे हैं? घर पे जा रहे हैं? अरे फातिमा ना मस्त रोड पे अकेले चल रही है। ये मेरी बेटी बाहर निकल ले लग गई। नीचे वाला घर ले लो फातिमा, उतरेंगे ना नीचे, खेलेंगे ना बाहर निकल के। ठीक है चल। निका साहब इसको बाहर लेके आना जाना पड़ेगा ना, मस्त खेलेगी, सबसे घुल मिल जाएगी, फिर किसी को एलियन नहीं समझेगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किए कि बोले हाँ मेरी सासू माँ ने सही बोले, तुम्हारे बच्चे ना घर में रह के ना घर में रह के ऐसे हो गए कि दूसरे को एलियन समझते हैं। देखो इतनी हंसी आई वो कमेंट पर, बोला माँ मेरी एक नंबर। हाँ ऐसे हंसी मजाक वाले कमेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो टोंट वाले कमेंट रहते हैं ना तो उस पर थोड़ा सी मतलब बुरा लगता है। चलो नहीं 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 आराम से आराम से चलो। फातिमा कोई एलियन नहीं है, ठीक है सब इंसान है, ठीक है चलो। तो अभी कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, चॉकलेट वगैरह जो भी अपने बच्चे लोग को ला के दे दिया। और सोलिया यहाँ पर खाने में क्या बना रहे तुम? तो आज खाने में पुलाव बन रहा है। हाँ ऐसा गोल घुमा, ये ए ए ए अरे घुमा तो सही। ये कितना नखरे करते तुम फातिमा, अबू बता रहे ना तुमको कैसे घुमाते हो? नहीं अबू तो प्यार से लाओ, चलो आरहन को बताऊँ, चलो अब तुम निकल दो, आरहन को बताऊँ तुम निकल जाओ, चलो अरे रुकना ऐसी कर रहा बस, अरे रुक तो बताने तो दे, ये उड़ा ऐसा उड़ता ये, तुम उड़ा हाँ उड़ाओ ना पंखा उड़ाओ ऐसा ये मस्त उड़ा रहा है बराबर, हाँ ऐसा उड़ाओ ये उड़ाओ अरे उड़ाओ ना मोटा बाय। अभी तुमने दिया मेरे को उड़ाने के लिए, ठीक है अभी उड़ा मेरे को वन बैठा यहाँ पर, ये 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 अरे वाह ये अब तू बड़ा तो हम बैठे हैं यहाँ पर अभी खाना खाने। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मालूम है मैंने उस दिन हक्की पक्की हर्बल ऑयल मंगाया था, ये आदिवासी का जो है, तो माशाल्लाह उस दिन ना 80 पूरे 90 कमेंट आए हैं। सब लोग ने एक ही बात बोले कि जो मेरा ऑयल मैंने मंगाया ना वो फेक है, और जो ओरिजिनल आता है वो एक ही आता है अपना 500 ml का, तो ये जो हमारा ऑयल ना ये फेक है। तो मैंने देखा हाँ यार मुझे बहुत अफसोस हुआ, और ये जो मैंने मंगाया था ना ये अपना गूगल पे मैंने सर्च किया था, ऑफिशियल साइट से ही मैंने ऑर्डर किया था, अमेजोन से फ्लिपकार्ट से नहीं किया था। बहुत बड़ा स्कैम हो गया है पता है, और इतने मतलब जैसे मैंने अम्मी को बोला ना, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर पोस्ट वगैरह जो भी है कर रहे थे, तो मैंने अम्मी को क्या बोला, बोला अम्मी देखो ऐसा अपना तेल है, तो अम्मी ने फ़ौरन मुझे ऑर्डर करने लगाया, लेकिन कैसा फेक आया तो कैसा फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, 1200 रुपया चले गया है। और वो सब तो छोड़ो भाई साहब, वहाँ पर रिप्लेसमेंट का और रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है वहाँ पर। मैं जाके चेक किया, जीमेल पे भी जाके देखा है, बोला रिटर्न का ऑप्शन रहेगा, ना कॉन्टैक्ट नंबर है ना रिटर्न का ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है। बोला अल्लाह अकबर, मेरा 1200 रुपया डूब गया है पूरा पता है। अम्मी को मैंने बोला है ये चीज़, बोलते जाने दो 1200 रुपया लेके गया ना, अपना ईमान थोड़ी ना लेके गया, जान थोड़ी ना लेके गया। तो सही में गाइस जिसने भी स्कैम किया ना 1200 रुपये का, चलो खैर कोई बात नहीं भाई, एक हफ्ता तक वो पैसे से खा लेगा, लेकिन भाई बहुत इसका पछतावा होगा पता है उसको, पैसा कहाँ से निकलेगा ना, फिर दवाखाने में इधर उधर पैसा भरेगा वो जिसने भी इसका स्कैम किया है। वो पागल सिर्फ अपने साथ नहीं है, कमेंट में कितने लोग हैं, कितने लोग जो आधा से ज़्यादा कमेंट करे हैं, बोले भाई हमारे साथ भी स्कैम हो गया। आप सोचो रिटर्न भी नहीं हुआ, 1200 रुपया 1500 रुपया सब जो क्या बोलते अपना हक, किसी के हक का खाया है इसने स्कैम करने वाले ने। अल्लाह की लानत पड़ेगी पता है ऐसा स्कैम करने वालों के ऊपर, अल्लाह रहम करे। 1200 रुपए लेके 1500 रुपए ले कहाँ जाएगा भाई, बेचने का तो अच्छी चीज़ है बेचो जरा, ताकि पब्लिक को क्या बोलते अपना दुआ दे, तुम्हारे को दुआ लगे। जो ओरिजिनल उसको नहीं बोल रहा हूँ, जिसने फेक बनाया है फेक किया है उसको ही बोल रहा हूँ मैं।
हम लोगों का 1200 रुपया गया, आप लोगों का कितना पैसा गया रहेगा, आप लोगों के दिल से कितनी हाई बदवा निकली रहेगी उसके लिए, और ऊपर से रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं जब डिलीवरी बॉय को बोला ना भाई मैं खोल के देख रहा हूँ, तो क्या बोलता है पता है वो, बाद में तुम खोल विल के देख लेना, मेरे को पैसा दे दो मैं जा रहा हूँ फटाक से। वो बंदा फौरन चल, उसकी भी कुछ गलती नहीं है भाई, वो तो सिर्फ अपना ऑर्डर ही मारता है। लेकिन जिसने ये भेजा है ना भाई, सही में यार बहुत बहुत गलत किया बंदे ने। ऐसा ना बैंड होना चाहिए पता है, कि स्कैम वगैरह हो रहा है अपने इंडिया में, ऐसे पूरे पूरा कंपनी बैंड होना चाहिए ऐसी। और जो ओरिजिनल है ना उन लोग को ही मतलब इनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। वो तो लोग बेचारे लोग तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा फेक प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी जो फ्रॉड करने वाले बेच रहे हैं वो तो बेच ही रहे हैं भाई, लोगों का 1000 रुपया 1200 रुपया 1500 रुपया खा रहे हैं। होगा तो क्या किया जाए बताओ, इसका क्या करूँ, चलो फेंक दूँ इसको, नहीं यूज़ कर लेंगे इसको, इसके बाद कौन पर चिकटपन लग रहा उसके अंदर, कुछ भी मलाई माल मटेरियल भर के दे दिया, देखो कुछ भी नहीं। एक बार ऐसा ऐसा उंगली ऐसे करके देखो ना, ऐसे ही चिकटपन लग रहा है, लेकिन बाल नहीं बढ़ेगा ना शालो, बाल बढ़ने से पर ऐसा लग रहा है कि उल्टा और बाल चल दे। 1200 रुपये फौरन दिए, फौरन स्कैम करने वाले ने स्कैम कर दिया। मेरी भी गलती है, मुझे देख दाख के करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऑफिशियल साइट से ही उसको ऑर्डर किया था यार, ऐसा कैसा हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया वहाँ चलो। ऐसा मतलब तेल तो बेच रहे चलो, लेकिन ऑफिशियल साइट भी ऊपर वाले क्या करते हैं, असली वाला क्या निकाला, डिलीवरी बॉय निकाल के क्या करेगा, मोबाइल थोड़ी ना लाखों करोड़ों की चिस्सड़ी करते हैं। डिलीवरी बॉय की गलती नहीं है, जो ओरिजिनल लिखा है ना वहाँ से उसकी गलती है पता। फौरन 1200 रुपया दिए हमने, वह साइड भी नहीं छोड़ रहे यार, साइड भी ऑफिशियल बना के स्कैम कर रहे यार, अल्लाह रहम करे। अगर मेरे बस में सही में रहता ना भाई, ऐसे लोग की ना साइड ही डायरेक्ट बैंड कर डालता था पता, लेकिन नहीं कर सकते ना। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अभी क्या ही बोल सकते, चलो हो गया तो हो गया है ना, आगे बढ़ो और क्या। मम्मी वो तेल रिटर्न का ऑप्शन नहीं दे रहे, क्या करेंगे, हाँ क्या कर सकते हैं अभी वापस। चलो जाना तो छोटू भाई, तुम्हारा गुस्सा ख़राब है, छोड़ो ऐसे लोग को, अल्लाह देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह मम्मी ने क्या बनाया नाश्ते में, माशाल्लाह एक नंबर बनाया रगड़ा। तो गाइस ये मेरा बैग है ना, इसके अंदर जो भी मेरा कपड़ा वगैरह है लेके जाने का सालिहा ने भर के रख दिए। और अभी यहाँ से ना मैं एक जगह जाने वाला हूँ, आप लोग गैस करके बताइए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है और सालिहा ने जो यहाँ पर पहनने का कपड़ा वगैरह है बच्चे लोग का अपना निकाल लिया है, और सुबह में जब निकलूँगा ना मैं तो ये वाला कपड़ा पहन के निकलूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आज का कुछ ब्लॉग ऐसा था मेरा, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हरा सा कमेंट करना, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार से पढ़ाई सी बनाए रखें।